अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखा है और उसका हमने अनदर लेक्चर डिस्कस करना है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आज हमने डिस्कस करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमने जो पीछे पढ़ा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर हमने मजीद टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल फोर्सेस इंटरस्टेनियस, वो मैंने आपको नाम बताए थे सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखना है और वो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक टाइप है, ठीक है जी। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ही पहले डिफाइन कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। क्या चीज़? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। फिर उसके बाद है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रो, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है जी। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की तरह ही है। मतलब इस मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये भी डाइपोल डाइपोल फॉर्म है लेकिन ये थोड़ी सी डाइपोल डाइपोल से बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है ये हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी क्या है कि एक अलग मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है और दोनों का, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव पोल है वो क्या कहा है? हाइड्रोजन होगा, ठीक है जी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला जो पोल है वो कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल। और दूसरा जो होना चाहिए नेगेटिव वाला वो कौन सा होना चाहिए? पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हमारे पीरियाडिक टेबल के अंदर अगर हम इस तरह से बात करें कि ये पीरियाडिक टेबल है तो राइट टॉप कॉर्नर पर जो होंगे मॉलिक्यूल्स या जो एलिमेंट्स हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन उन्हीं में से एक है, यहाँ पर ही होते हैं राइट टॉप कॉर्नर पर, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है कि एक क्या होना चाहिए? जो पॉजिटिव पोल होना चाहिए, जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन। और जो नेगेटिव पोल या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे फ्लोरीन है, यही सबसे ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर डेफिनेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आगे हम देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ठीक है जी, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं, दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कैसे दिखाते हैं कि हमारे पास बीच में हम क्या लगा देते हैं? डॉटेड लाइन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर के अंदर देख लेते हैं, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है जी। तो एक जो वाटर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, इसका पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, उसका हमने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग यहाँ पर बन रही है उसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने आपको वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा भी दिया है, अलग से शो कर दिया है, क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन को भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होने चाहिए? अदर एटम होने चाहिए। वही हमने जो बात ऊपर की है वही बात नीचे हम कर रहे हैं, उसको ही हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और वो होना चाहिए हाइड्रोजन ही,
ठीक है जी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम ही हाइड्रोजन से है, तो हाइड्रोजन होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अदर एटम, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी, और वो मैंने बता दिया कि राइट टॉप कॉर्नर पर आपने देखना है। जैसे आपके सामने पीरियोडिक टेबल है तो आपने राइट टॉप कॉर्नर पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी पीरियोडिक टेबल सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो जाएगी बात। देन उसके बाद अक्रेंस, अब ये कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है ये हम देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या कहा है, पीछे भी हमने कह दिया है कि ये स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से बनती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर या शेयरिंग की वजह से बने। ठीक है जी, तो ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है और अट्रैक्शन डेफिनेटली वीक होगी। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी बॉन्डिंग, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर या शेयरिंग की वजह से बनती है, तो इस वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। अब ये सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की, तो ये स्पेशल केस है। क्यों, क्योंकि ये अदर जो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जैसे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, इंटरस्ट्रेनियस डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस से क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्लियर हो जाएगी बात। देन उसके बाद नॉर्मली प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल, वो तो हमने कह दिया है कि ये पोलर मॉलिक्यूल की ही एक टाइप है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक टाइप है, लेकिन है स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म। ठीक है जी, इसके अंदर भी एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। इसमें भी दो अपोजिट पोल जो है, दो अपोजिट मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, दो अदर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। वो हमने पढ़ लिया कि क्यों हो जाती है, वो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। फिर उसके बाद द बॉन्डिंग कैन बी ऑब्जर्व यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, वही बार बार बात आ रही है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है, लेकिन ये यूनिक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लियर हो जाएगी बात। देन उसके बाद है जी डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस तरह हम वो डिवेलप्ड होती है, वो किस तरह बनती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो कैसे इंड्यूस होती है, वो हमने देखना है। ठीक है जी, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, ये अब कहाँ पर बनेगी, ये कहाँ पर इंड्यूस होगी या जो प्रोड्यूस होगी डिवेलप्स होगी, तो ये यहाँ पर वहाँ पर बनेगी जहाँ पर बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है जी, हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब जुड़ा होगा तो क्या होगा, और उसके पास क्या मौजूद होना चाहिए, लॉन पेयर भी मौजूद होना चाहिए, सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, सबके पास क्या मौजूद है, लॉन पेयर मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके साथ जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो फिर अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जब इंटरेक्शन होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, वो आगे हम चल के देख लेते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स आर इनफ टू क्रिएट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन अनदर एटम। क्लियर हो जाएगी बात। कोवलेंट बॉन्ड जो है डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो अदर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने अभी बात की है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है जी, अब ज़्यादा होने की वजह से वो बॉन्डेड पेयर जो होगा उसको अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से जो अदर एटम होगा उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो रह जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने इधर भी देखा है। ठीक है जी, कि ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, जिसकी वजह से अब बॉन्ड जो है वो बार बार, मैंने आपको पिछले टॉपिक्स के अंदर काफ़ी बार बताया है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या, बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज इस तरफ होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है हाइड्रोजन से तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, ये बार बार बातें रिपीट हो रही है, तो इसी तरीके से आपने करनी है इसको। ठीक है जी, फिर उसके बाद द स्मॉल साइज एंड हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इनेबल्स इट टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन को क्या करती है, अट्रैक्ट करते हैं,
पहले क्या बनेगा, पहले बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, फिर उसके बाद बताया कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बन जाएगा और पार्शियल नेगेटिव अदर एटम बन जाएंगे, वो किस वजह से, बॉन्डिंग के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बन जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, देन उसके बाद क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह इसके दरमियान क्या हो सकती है, बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। क्लियर हो जाएगी बात, तो इस तरह क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। ये बीच में बॉन्डिंग जो है वो इनकी खुद की कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है जी, ये वाली कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल है एक पूरा, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है ना, वो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मजीद कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो क्या है, द ग्रेविटी ग्रेटली इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेटली इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डेफिनेटली बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो उनको अलहदा करना क्या हो जाएगा, मुश्किल, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट, अब हाइड्रोजन का और अल्कोहल का कंपेयर कर रखा है, तो हाइड्रोजन जो है, सॉरी, वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, 100 दे रखा है, और जो अल्कोहल है उसका दे रखा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस वजह से सॉरी, वाटर का जो है वो ज़्यादा है, वो हमने अभी देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो अदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग से ये क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग है और उसको अलग करना मुश्किल होगा, उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। फिर उसके बाद है जी फ्लोटिंग ऑफ आइस। फ्लोटिंग ऑफ आइस कहते हैं जो बर्फ है वो पानी पर क्यों तैरती है, ये हमने रीजन देखनी है। तो हमारे पास क्या है, दिस फिनोमिना इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो हम देख लेते हैं कि किस वजह से, कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है ना वो कितनी दे रखी है, 0.017, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है, 1। ठीक है जी, लगने में ऐसा होता है कि आइस की ज़्यादा है, लेकिन 1 जो है वो डेफिनेटली 0.0 जो कुछ भी होगा तो उससे ज़्यादा होगी, तो वाटर की ज़्यादा है, आइस की कम है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि जब सॉलिड चीज़ जो होती है वो भारी ज़्यादा होती है, जबकि माया चीज़ के, लिक्विड के। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। मतलब हमें जो पहले अंदाज़ा है वो ये है कि कोई भी ठोस चीज़ होगी, कोई भी सॉलिड चीज़ होगी, उसकी भारीपन जो डेंसिटी है वो क्या होगा, ज़्यादा होगी बनिस्बत के लिक्विड के। लेकिन यहाँ पर अपोजिट केस है, वो क्यों है ये हमने देखना है, रीजन क्या है इसके लिए, वाई। क्लियर हो रही बात, तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जब वाटर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ बेतरतीबी अंदाज के अंदर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन जब जो वाटर है वो आइस के अंदर कन्वर्ट होती है तो वो एक तरतीब इख्तियार करती है, उस तरतीब इख्तियार करने की वजह से क्या होता है, बीच में स्पेसेस आ जाती है। जब स्पेसेस आ जाएंगी तो क्या होगा कि डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो हम देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये इस तरह जो है वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हैं। ठीक है जी, तो इस तरह पड़े होने से, और हम अगर तरतीब से लगाएं, तरतीब से कैसे लगा सकते हैं कि ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहाँ पर कितने हैं, 5 और 2, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेस डेफिनेटली इसके अंदर कम है और इसके अंदर ज़्यादा है। हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, मास तो चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। अब जब सही तरीके से तरतीब देंगे तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सही तरीके से तरतीब देने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, डेंसिटी क्यों कम हो गई है, क्योंकि सही तरीके से तरतीब दी है, जिसकी वजह से वॉल्यूम, स्पेस आ गई है, उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ गया है,
जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी, और आइस इसी वजह से क्या होती है, वाटर से लेस डेंस होती है या लाइट होती है, जिसकी वजह से जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, फिर रिप्रेजेंटेशन, फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आपने लिख देना है, देन उसके बाद अकरेंस आपने लिखनी है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, देन उसके बाद डेवलपमेंट मतलब कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ये हम देखेंगे, फिर आपने मॉलिक्यूल्स की सूरत में दिखा देना है, देन उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुतल्लिक कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्लोटिंग ऑफ आइस के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और इस तरह ही आपने क्या करना है, आपने कहीं पर भी आपका टेस्ट वगैरह हो तो इस तरह आपने क्या कर देना है, उसको लिख देना है। आपको आई होप अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।